श्रोमणी अकाली दल जिमनी चोणां तों भजदा नज़र आ रहा है ते श्रोमणी अकाली दल सुखबीर बादल नूं जरनैल दसी जांदा ते 105 साल पुरानी पार्टी कोल की गल सुखबीर बादल तों बिना कोई जरनैल नहीं है। ये सब बहानेबाजियां ने अकाल तख्त ने सिर्फ सुखबीर बादल नूं चोण लड़न तों ना कीती सी ना कि सारे अकाली दल नूं। अकाली दल कोई बंदा ही नहीं है जिहड़ा चोण लड़ जावे जां चोणां दी अगवाई कर जावे, इसे लई उह पासा बट गए। की कहना भगवंत मान का वो तुम्हें दिखाने। लेकिन मुझे इतना पता है, देखो 2014 में मैं राजनीति में आया था, आज 2024 10 साल में वो जो कह रहे थे ना अहंकार राज करेंगे 25 साल, आज उनके पास चार बंदे नहीं हैं जो इलेक्शन लड़ सकें, भागे हैं वो मैदान से। देखो धार्मिक मामलों में कभी नहीं पड़ता, लेकिन श्री अकाल तख्त साहब ने इलेक्शन लड़ने पर तो पाबंदी नहीं लगाई ना। क्या 105 साल में एक नेता पैदा नहीं हुआ कि अगर वो नहीं है तो उसके बिना इलेक्शन लड़ सके? और सुखबीर बादल को जरनैल बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा उसने जंग जीता है जरनैल? उसने तो डुबोए ही है बेड़ा अकाली दल का। हो सकता है सुखबीर बादल के बिना ज्यादा वोट पड़ जाते, एक बार चेक तो कर लेते। सुरजीत पात्र जी का एक शेर था, अकाली दल ने वो शेर झूठा करता, पात्र साहब ने लिखा सी इन्ना सच ना बोल कि कल्ला रह जावे, चार क बंदे छड़ लै मोढ़ा देण लई। पर जो अकाली दल दा हालत है हुण, उस समय ये कह सकदा कि इन्ना झूठ ना बोल। लेकिन मुझे इतना पता है, देखो 2014 में मैं राजनीति में आया था, आज 2024 10 साल में वो जो कह रहे थे ना अहंकार राज करेंगे 25 साल, आज उनके पास चार बंदे नहीं हैं जो इलेक्शन लड़ सकें, भागे हैं वो मैदान से। देखो धार्मिक मामलों में कभी नहीं पड़ता, लेकिन श्री अकाल तख्त साहब ने इलेक्शन लड़ने पे तो पाबंदी नहीं लगाई ना। क्या 105 साल में एक नेता पैदा नहीं हुआ कि अगर वो नहीं है तो उसके बिना इलेक्शन लड़ सके? और सुखबीर बादल को जरनैल बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा उसने जंग जीता है जरनैल? उसने तो डुबोए ही है बेड़ा अकाली दल का। हो सकता है सुखबीर बादल के बिना ज़्यादा वोट पड़ जाते, एक बार चेक तो कर लेते। सुरजीत पात्र जी का एक शेर था, अकाली दल ने वो शेर झूठा करता, पात्र साहब ने लिखा सी इन्ना सच ना बोल कि कल्ला रह जावे, चार क बंदे छड़ लै मोढ़ा देण लई। पर जो अकाली दल दा हालत है हुण, उस समय ये कह सकदा कि इन्ना झूठ ना बोल। लेकिन मुझे इतना पता है, देखो 2014 में मैं राजनीति में आया था, आज 2024 10 साल में वो जो कह रहे थे ना अहंकार राज करेंगे 25 साल, आज उनके पास चार बंदे नहीं हैं जो इलेक्शन लड़ सकें, भागे हैं वो मैदान से। देखो धार्मिक मामलों में कभी नहीं पड़ता, लेकिन श्री अकाल तख्त साहब ने इलेक्शन लड़ने पे तो पाबंदी नहीं लगाई ना। क्या 105 साल में एक नेता पैदा नहीं हुआ कि अगर वो नहीं है तो उसके बिना इलेक्शन लड़ सकें? और सुखबीर बादल को जरनैल बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा उसने जंग जीता है जरनैल? उसने तो डुबोए ही है बेड़ा अकाली दल का। हो सकता है सुखबीर बादल के बिना ज़्यादा वोट पड़ जाते, एक बार चेक तो कर लेते। सुरजीत पात्र जी का एक शेर था, अकाली दल ने वो शेर झूठा करता, पात्र साहब ने लिखा सी इन्ना सच ना बोल कि कल्ला रह जावे, चार क बंदे छड़ लै मोढ़ा देण लई। पर जो अकाली दल दा हालत है हुण, उस समय ये कह सकदा कि इन्ना झूठ ना बोल। लेकिन मुझे इतना पता है, देखो 2014 में मैं राजनीति में आया था, आज 2024 10 साल में वो जो कह रहे थे ना अहंकार राज करेंगे 25 साल, आज उनके पास चार बंदे नहीं हैं जो इलेक्शन लड़ सकें, भागे हैं वो मैदान से। देखो धार्मिक मामलों में कभी नहीं पड़ता, लेकिन श्री अकाल तख्त साहब ने इलेक्शन लड़ने पे तो पाबंदी नहीं लगाई ना। क्या 105 साल में एक नेता पैदा नहीं हुआ कि अगर वो नहीं है तो उसके बिना इलेक्शन लड़ सकें? और सुखबीर बादल को जरनैल बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा उसने जंग जीता है जरनैल? उसने तो डुबोए ही है बेड़ा अकाली दल का। हो सकता है सुखबीर बादल के बिना ज़्यादा वोट पड़ जाते, एक बार चेक तो कर लेते। सुरजीत पात्र जी का एक शेर था, अकाली दल ने वो शेर झूठा करता, पात्र साहब ने लिखा सी इन्ना सच ना बोल कि कल्ला रह जावे,
चार क बंदे छड़ लै मोढ़ा देन लई, पर जो अकाली दल का हालत है हुण उस समय कह सकदा कि इन्ना झूठ ना बोल।